नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डीजेड। वृद्ध के प्राइवेट पार्ट पर क्या हमला? जी हां, यह मामला रायबरेली के सरेनी थाना के गेगासो चौकी का है, जहां पर तैनात चौकी इंचार्ज जेपी यादव ने श्यामलाल नामक वृद्ध को महज इसलिए पीट डाला कि वह दरोगा की बात को अनसुनी कर रहा था। बताया जाता है कि दरोगा जबरन उसके टेम्पो पर लकड़ी लदवा रहे थे। मना करने पर ऐसी पिटाई की कि उसके प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें आई हैं। बीबी बच्चों के साथ एसपी चौकट पर पहुंचे घायल पीड़ित को एसपी ने कुछ पुलिस कर्मियों से सरकारी वाहन से जिला अस्पताल उपचार हेतु भिजवा दिया। एसपी ने दरोगा के खिलाफ जांच के निर्देश सीओ लालगंज को दिए हैं। बता दें कि चौकी इंचार्ज पर कई बार गंभीर आरोप लग चुके हैं। इसके पूर्व में भी एक वृद्ध को मुर्गा बनाकर पीटने का लगा था आरोप, नहीं हुई थी कोई भी कार्यवाही। समाचार जेट के लिए रायबरेली से बबलू सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? श्यामलाल। क्या हुआ श्यामलाल? हुआ ये सर कि जो है हमारे टेम्पू से चौकी इंचार्ज ने कहा लकड़ी जो है डाल दो, तो हमने कहा सर कि लकड़ी हमारे पास साहब गाड़ी ख़राब है, हम कल डाल देंगे। तो बोले नहीं, इसी वक्त भोसड़ी को डालना पड़ेगा। तो हमने कहा साहब हमारी गाड़ी ख़राब है। तो उन्होंने, एक सिपाही था और आप साथ में चौकी इंचार्ज थे, दोनों लोगों ने हमको जाके चौकी में बैठा लिया, पूरी रात रखा, रात में मारा पीटा, दारू पैरू पी के पहनाव में मेरे मार दिया लात। सुबह मैंने जब कहा साहब हम जाके ऊपर शिकायत करेंगे तो कहें पहले तुम्हें जाने देंगे तब ना हमारा काउंटर कर देंगे साहब। फिर साहब वहाँ से जब छोड़ा तो हम डर के मारे इधर उधर छुपे फिरे। तो कहाँ चोट लगी तुम्हारे? पहनाव के जगह पर। आज कहाँ आए हो? आज एसपी ऑफिस आए। क्या बोली मैडम? मैडम बोले भर्ती करो या किन को इलाज के लिए आपको भेजा। और न्याय के लिए क्या बोला? न्याय के लिए अभी कुछ नहीं बोला। अच्छा, किसने मारा था? कौन चौकीदार था? क्या नाम है उनका? अर्जुन सिंह था। जेपी यादव है चौकी इंचार्ज? हाँ, जेपी यादव। मारपीट का मामला सामने आया है, क्या है मामला? मामला सामने आया है, इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब इसकी जांच होगी। जांच के आदेश कर दिए गए हैं सीओ को और जो जांच में सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई। इसके पहले मैम एक लड़की ने आरोप लगाया था कि एक बयान देने के बहाने रात में बुलाते हैं वो चौकी इंचार्ज ने। नहीं, ऐसा कोई भी मेरे संज्ञान में नहीं आया ऐसा कोई प्रकरण। जहाँ तक इसकी बात है तो इसमें जांच की जाएगी और अवश्य कार्रवाई की जाएगी जांचों के आधार पर। थैंक यू।